बांग्लादेश के आशिकाने रसूल के लिए खुशी के लम्हात करीब से करीब तर होते हुए, जहां इंशा अल्लाहुल करीम दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी का 28 दिसंबर 2022 से सफर शुरू होने जा रहा है। इसी सफर के दौरान निगरान शुरा की सुन्नतों भरे इज्तिमात में बयानात के साथ दावत इस्लामी के दीगर दीनी कामों में शिरकत रहेगी। इसी मुनासिबत से बांग्लादेश में मुनाकिद होने वाले सुन्नतों भरे इज्तिमात की तैयारियों का सिलसिला जारी है, जबकि इसी सफर के दौरान 5 जनवरी 2023 को बांग्लादेश के शहर ढाका में भी अजीम व शान हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा मुनअक्कीद किया जाएगा। जिस ग्राउंड में यह अजीम व शान सुन्नतों भरा इज्तिमा मुनअक्कीद होगा, उस ग्राउंड का निगरानी बांग्लादेश मुशावरत और दीगर जिम्मेदारान ने विजिट किया, मदनी खबरों को बताया। इस वक्त हम जो है वो मोहम्मदपुर के ईदगाह ग्राउंड में है और 5 जनवरी 2023 बरोज जुमरात, अल्लाह ने चाहा दावत इस्लामी का अजीम व शान सुन्नतों भरा इज्तिमा ये इसी मोहम्मदपुर के ईदगाह ग्राउंड में इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल होगा। इसमें दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी अल्लाह ने चाहा तशरीफ़ लाएंगे, बयान फरमाएंगे और ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की तैयारियों के हवाले से, मैदान के कामों के हवाले से हाजिर होना हुआ और अल्लाह ने चाहा ये ढाका का अजीम शान तारीखी इज्तिमा होने जा रहा है इंशाअल्लाह। और जिम्मेदारान की नीयत भी है, हदफ भी है कि इंशाअल्लाह ये मैदान भी छोटा पड़ जाएगा और यहाँ से अल्लाह ने चाहा जहाँ शुरका कसीर होंगे वहाँ मदनी कामों का भी इजाफा होगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ने चाहा तो अजीम शान शानदार जानदार सुन्नतों भरा इज्तिमा करेंगे इंशाअल्लाह।